हाँ जी, क्या हाल चाल। आज हम डिफरेंशिएशन का पार्ट करेंगे। जैसा कि बोला गया था, यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा पार्ट खत्म हो गया। आज हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद मोशनियस स्ट्रेट लाइन पे चलना स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के अंदर जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे उसको हम कवर कर देंगे। मैथमेटिक्स में इसका पार्ट बहुत डेप्थ में होता है, उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जितना काम इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम पूरी तरह से कवर कर देंगे। इस चीज़ की गारंटी है, इस वीडियो के बाद आपको डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, विद रूल्स की बात करेंगे। साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाते रहें ताकि काम बनना स्टार्ट हो। नोट्स बनेंगे तभी काम बनेगा। जहाँ भी न्यूमेरिकल आना स्टार्ट होगा उसको पॉज कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं होता तो वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं अवकलन। इसको पढ़ने से पहले हम दो तीन चर्चाओं की बात करते हैं ताकि क्या है। हम सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं। मान लो एक यूनिफॉर्म ग्राफ है इस तरह से, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। अच्छा सुनिए जी, इस पर दो पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। दो पॉइंट कौन कौन से? मान लीजिए दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। इसके लिए हमने बोला कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन और इसलिए बोला एक्स टू वाई टू। अच्छा, इसकी हर पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब थीटा थीटा थीटा। सही चर्चा। तो मैं अगर इसकी बात करना चाहूँ, दिस इज कॉल्ड वाई टू एंड दिस इज कॉल्ड वाई वन एंड दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू। कोई भी एंगल का एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, अगर इसकी बात करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन एंड दिस इज वाई टू माइनस वाई। अगर हम स्लोप की बात करना चाहें, स्लोप एक्चुअली होता क्या है, टेन थीटा, जो कि बोलेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करना स्टार्ट करता है, ढाल इसको बोलते हैं, ढलान। अच्छा सही है। परंतु ये जो हमारा ग्राफ है बिल्कुल यूनिफॉर्म की बात करना स्टार्ट कर रहा है। हमें जो ग्राफ चाहिए मांगता है वो ग्राफ है क्या, वेरिएबल ग्राफ। हटा दें इसको, तो इस पे बनने वाली टेंजेंट पे जो भी एंगल बनेगा वो बिल्कुल इक्वल होगा टेंजेंट से, है ना, ये बात तो जानते हैं। अच्छा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे ताकि काम बनना स्टार्ट हो। अब देखिए जी, ये हमारा एक वेरिएबल ग्राफ की बात कर रहा है, मतलब इससे टेंजेंट खींचा, यहाँ से बनने वाला एंगल कुछ ये प्रकार होगा और इसके बनने वाला एंगल कुछ इस प्रकार बड़ा बनता जाएगा। हमने एक पॉइंट यहाँ इमेजिन किया वही एक्स वन वाई वन और यहाँ पॉइंट इमेजिन किया एक्स टू वाई टू। अब बहुत जो हमारे पॉइंट है बहुत दूर दूर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम कुछ इस प्रकार बात करें कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है इसको बहुत नजदीक कर दिया, इससे बनने वाली टेंजेंट एक ही हो। इसका मतलब ये होता है कि वाई टू माइनस वाई वन लगभग जीरो की ओर और एक्स टू माइनस एक्स वन भी लगभग जीरो की ओर अग्रसर है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू आएगी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बहुत छोटा चेंज, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, हमारा जो मेन पार्ट है वो यही पार्ट है। परिवर्तन की बात करना स्टार्ट करेंगे, चेंज की बात करना स्टार्ट करेंगे। वाई अपॉन एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, वाई का कोई फंक्शन दिया होगा एक्स की फॉर्म में, उसको हम करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, एफ एक्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम बात कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। एक्चुअली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बताना चाह रहा है कि एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई की बात करेगा, रेट ऑफ चेंज वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, एक्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये हमें वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी एक्स के फॉर्म में, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मेन पर्पज है वो डी वाई अपॉन डी एक्स से ही चलेगा। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी नहीं समझ आ रही तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स, रेट ऑफ चेंज वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम बात करते हैं वी इक्वस टू वेलोसिटी इक्वस टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, सही बात बोलते हैं, टाइम बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट कितना होता जा रहा है। या स्पीड इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, टाइम बढ़ रहा है और कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस कवर हो रही है। वैसे ही हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज वाई, वाई कितना चेंज रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सही चर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई हटा रहे हैं इसको ना। चलो 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 चलो, कहां चले कहां चले सर।
लो भाई, अब देखो जी, हर रूल के साथ मैं न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ उसको सुलटाते जाओगे। सबसे पहला रूल की बात है, नंबर नंबर नहीं डालते, सीधा करवाना स्टार्ट करते हैं। अगर पहले रूल की बात करें, एक्स की पावर 2 दी हो तो उसको कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? पावर को आगे लेके आएंगे, एक पावर को कम कर देंगे। अगेन बोलो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1। ओहो, इसको कैसे लिखेंगे, 2x। समझ पा रहे हो उस बात को? अगेन बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर दिया है तो पावर को आगे लेके एक पावर कम करिए आगे। अच्छा और देखो, अगर मैंने बोला एक्स क्यूब की बात करो तो आगे लेके आओ पावर को और एक पावर कम कर दो, यानी कि 3x स्क्वायर की बात करो। अगर मैं बात करता हूँ 4x की 4, यानी कि पावर को आगे लेके आए तो पावर को आगे लेके आए 4 × 4 x की पावर 3, मतलब 16x की 3। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बचपना छोड़ दो। हो गए, बढ़िया। अगर बात बात की जाए 5x की 4, 20x की पावर 3, टेक्निकली कर क्या रहे हैं, एक्स की पावर एन हो तो क्या करेंगे, एन को आगे लेके आए एक्स की पावर एन माइनस वन। हाँ या ना, दिस इज योर फर्स्ट रूल। पावर को आगे लेके आए, एक पावर क्या कर दी हमने, कम कर दी। सही चर्चा है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, हटा दें, चलो ठीक बात है। पहला रूल हो चुका है, चलो अगले देखते हैं। आगे देखते हैं, अगर बात करना चाहे कांस्टेंट की, मतलब अगर मैं बात करूं c की बात करेंगे, c यहां पर क्या है, कांस्टेंट, स्थिरांक। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो की बात करना स्टार्ट करते हैं। मतलब d बाई डी एक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों की वैल्यू क्या है कि जीरो की बात करना स्टार्ट करेगा। अगेन बोलना स्टार्ट करूंगा, d बाई डी एक्स c की वैल्यू क्या है कि जीरो आएगी, मतलब हमें d बाई डी एक्स 2 का करना मिले तो हमें क्या आएगा, 0। डी बाई डी एक्स 4 का मिले 0, डी बाई डी एक्स 5 का मिले कितना आएगा, 0। मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया, वो बात क्या है जी, मैंने मतलब जब भी हम मुलाकात होती है, रेगुलर बच्चों से मुलाकात होती है, तो बच्चों से हम एक डिस्कशन करते हैं। वो क्या होता है, हम मतलब मैं डिस्कशन करता हूँ कि बच्चों को थ्योरी का पार्ट पढ़ाने के बावजूद हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है कि थ्योरी में चीज़ें नहीं पकड़ पाते और हम क्वेश्चन में पकड़ पाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना काम बढ़ना स्टार्ट होगा, नहीं तो दुविधा वाला विषय हो जाएगा। देख सकते हो कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का 0 की बात करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार टर्म मिलती है, डी बाई डी एक्स 2x का करना हो तो 2 आ जाएगा बाहर, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 3x का क्या होगा तो 3 हो जाएगा, 4x का क्या होगा, 4 हो जाएगा, 5x का क्या होगा, 5 होगा। इससे पहले अगर पूछना चाह रहे हो कि सर x का क्या होगा, d बाई डी एक्स अगर x का करना चाह रहे हो तो क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी फॉर्म है, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 2 को बाहर निकाला, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करके दिखाएं क्या, अरे बेटा 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 क्या करते हो बेटा, तरीका है बस याद करने का और कुछ भी नहीं, ट्रिक ट्रिक क्या तरीका है। 3x का 3 हो गया, 4x का 4 हो गया, 5x का 5 हो गया, d by dx x का क्या होगा, 1 होगा, dx upon dx 1 हो जाएगा। वैसे अगर dt upon dt करोगे 1 होगा, dm upon m का dm करोगे 1 हो जाएगा। सेम टर्म का ही तो कर रहे हो भाई, काटा पीटा करना है और क्या करना है, चीर फाड़ कर दी पोस्टमार्टम। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से वाकिफ हो, आसान है। कांस्टेंट का क्या है, 0 है। अगर 2x आ जाए, मैंने इसलिए 2 का पहले बताया फिर यहाँ बताया, 2x का आ जाए तो क्या आएगा, मतलब x की फॉर्म में करना चाह रहे हो, x से x कट जाएगा, मतलब dx upon dx तो क्या आएगा, 2 आएगा, dx upon dx क्या आएगा, 1 आएगा। सही चर्चा है। इस पार्ट को हम फिर आपको जब मल्टीप्लाई मेथड बताएंगे इसी में, तब भी आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे कि वैल्यू 2 कैसे आएगी, पर अभी रुको, इंतजार करो, अभी शुरुआत है। शुरुआत सभी बढ़िया करते हैं, मसला तो आखिरी का होता है। अरे वाह सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या मुलाकात है, हो गया, चलो ठीक बात है। अगर मान लो डी बाई डी एक्स आपको दी जाए सी वाई, सी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा, सी को निकाला बाहर, डी वाई अपॉन डी एक्स। गहरी सांस लो, अरे कुछ भी नहीं है भाई, सी वाई के लिए सी को बाहर निकाला, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर सी एक्स होता तो खाली सी होता,
जैसे 2x का क्या था, 2 था, 3x का क्या था, 3 था, 4x का क्या था, 4 था, 5x का था, 5 था, ठीक सही है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं। क्या करना है, फर्स्ट क्या बड़ा था, पावर को आगे लेके एक पावर कम करते, एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं इसमें, मैं लिखता जाऊंगा साइड में। एक्स स्क्वायर का क्या आया था, मतलब एक्स की पावर एन लिखते हैं ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। कॉन्स्टेंट का क्या था, डी बाई डी एक्स शी बराबर जीरो। डी बाई डी एक्स दो एक्स का क्या आया था, दो। डी बाई डी एक्स सी वाई का क्या आया, सी डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखते हैं एक प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स क्यूब कर दो टीचू, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस चार। चलिए कैसे करेंगे, पावर को आगे लेके आ, तीन एक्स क्यू स्क्वायर प्लस पावर को आगे लेके आ, चार एक्स प्लस एक्स का क्या होगा, वन। इसके रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स करना है, हर बार ध्यान रखना जी, प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट का क्या आएगा, जीरो। चेक कर सकते हो, मुश्किल आ जाओ, हटा दें, पावर को आगे लेके एक पावर कम, पावर को आगे लेके एक पावर कम, पावर को आगे लेके मतलब ही नहीं है, एक्स की पावर एक ही एक्चुअली, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वन। अरे कहने का मतलब लाला जी ये ऐसे है, वाई बराबर में ये, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स किया है, तो वाई की वैल्यू पुट करी है, तो सभी से डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा, काय दिक्कत कर रहे हो, बचपना थोड़ी करेंगे, थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। अच्छा वाई बराबर हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, सही बात है, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स ले लो, एक्स लेना चाहते हो एक्स ले लो, लो अभी सही, सारे टर्म्स एक्स में जाएगी। अच्छा समझिए, अगर मैं बात करना चाहूँ रूट एक्स की, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर एक बटा दो है क्या, और वन अपॉन रूट एक्स को लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस एक बटा दो। अरे लाला काई दिक्कत कर रहा है, वन अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो, वन अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस एक बटा दो बन जाएगा, और रूट में जाएगा तो माइनस एक बटा दो बन के जाएगा, सही है। अरे वन अपॉन एक्स क्या बन के जाएगा, एक्स की पावर माइनस एक तो बन के जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, अभी माफी चाहता हूँ, रूट वाला क्या बन जाएगा, माइनस एक बटा दो गिरा हुआ बेचारा। अच्छा तो इसको करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होता है, अरे लिखा नहीं, अरे लिखा नहीं, लिखा नहीं, एक्स का डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होगा, वन होगा। अच्छा सुनो, एक्स का हो गया वन, अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, इसको पूरा लिख के बताता हूँ, पहले एक्स की पावर एक बटा दो और एक्स की पावर माइनस एक बटा दो, सही चल सर, आराम से आराम से। एक्स का क्या होगा, वन होगा, पावर को आगे लेके आए एक्स की पावर एक बटा दो माइनस एक, अच्छा प्लस पावर को आगे लेके आए माइनस एक बटा दो आ गया, एक्स की पावर माइनस एक बटा दो माइनस एक, हाँ यहाँ ना, वन प्लस वन बाई टू, एक्स की पावर कितना आएगा, माइनस एक बटा दो, प्लस 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 माइनस माइनस एक बटा दो, और एक्स की पावर दो एक माइनस तीन बटा दो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, वन प्लस वन बाय टू रूट एक्स, ये एक और आधा की बात कर रहा है, मतलब माइनस एक बटा दो एक्स और आधा, अरे ये आएगा डी वाई अपॉन, चेक कर लो। अब प्लस माइनस ही नहीं आएगा तो फिर तो दुविधा ही है ना, प्लस माइनस तो अब कैसे सिखा दें, सिखा दें, सिखा देंगे, अभी इंतजार कीजिए, ये कर लो एक बार, वापिस अगेन बोल रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स की पावर एक बटा दो, एक्स माइनस एक बटा दो, एक्स का क्या होगा, वन होगा, पावर को आगे लेके आए एक पावर कम कर दी, मतलब पूरा लिख के बताया है, पावर को आगे लेके आए ब्रैकेट में रखे हुए एक पावर कम कर देंगे, वन वन प्लस टू एक्स की पावर आधा में से एक माइनस का ज्यादा है तो माइनस के एक बटा दो, सही चर्चा है, माइनस बार आ जाएगा, अरे भाई क्यों आ रहा है, एक्स की पावर एक और आधा दोनों माइनस के, माइनस थ्री बाई टू। अब कहने का मतलब क्या है कि आप x की पावर तीन बटा दो प्लस की होती है क्या लिखते हैं, एक्स रूट एक्स, मतलब x की पावर एक और x की पावर एक बटा दो, ये प्लस में होती है, एक और आधा बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, इतना तुम्हें आता है ये मानते चल दूँगा, चलो ठीक बात है सर, आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ, उतार सकते हो उतारना चाह रहे हो, फिर अगला करते हैं, आओ ने 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 ने
अच्छा सुनो, अगर वाई बराबर में यू प्लस माइनस वी दिया, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड है, और हमें करना हो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी लिख सकता हूँ वाई की जगह, तो कुछ भी नहीं करना, डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, नॉर्मल एलजेब्रा को ही यूज किया है, कुछ भी नहीं किया। और ये न्यूमेरिकल एक्चुअली मैं आपको करवा चुका हूँ, दिखाऊं, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस टू, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, एक और लिख सकते हो, एक्स की चार प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू। तो टेक्निकली क्या किया, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमें किसके बराबर मिला, वाई, तो फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, चार एक्स की पावर तीन प्लस छः एक्स माइनस टू प्लस में जीरो। अब इसमें बारी बारी समय बर्बाद नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के काफ़ी नियम है और काफ़ी क्वेश्चन है, वो करवाएंगे, सही चर्चा है, हटा दें कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर साइन कोस वाला लास्ट में ले लेंगे, पक्की बात है, चार एक्स के दिन छः एक्स हैं हैं हैं, सही। अरे मेरे साईं के पास, श्री राम श्री राम। वाई बराबर में अगर यू वी दिया हो, मल्टीप्लाई मेथड, गुणन नियम, वापस बोलो, वाई बराबर यू वी दिया हो तो कैसे करेंगे, अच्छा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ही करना है ना, तो इसका नियम है क्या, यू को बाहर रखो, वी का कर दो, प्लस वी का हो चुका है, यू को वी को बाहर रखो, यू का कर दो। सर समझ ही नहीं आया, हाँ न्यूमेरिकल कराएंगे लल्ला, काई दिक्कत कर रहा है। अगेन बोल रहा हूँ, यू वी में क्या करना है, यू को बाहर रखा वी का कर दिया, वी का बाहर रखा यू का कर दिया। करें स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, चलो एग्जाम्पल, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन सिक्स एक्स प्लस टू, मतलब ये यू है और ये वी है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, चलो ठीक है, निकालना है डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करना, ये लिखेंगे नहीं बारी बारी, तुम समझ जाना इसको ना, ये वाई बराबर, तो मैंने बोला पहले बार रखा यू को, सुनना जी बहुत तसल्ली से, यू मान लिया इसको, वी मान लिया इसको, मैंने d by dx किया v को, प्लस बीच में ध्यान रखना प्लस है, माइन डिवाइड में अलग हो जाएगा, इसका हो चुका है तो इसको रखा बार y को, d by dx इसका किया, अच्छा इसका कुछ होगा, ये तो बार पड़ा है बेचारा नादान है, इसका क्या हो जाएगा, 6x का 6 दो का 0, अरे भाई सिक्स बताया तो है, दो एक्स का दो था, सिक्स एक्स का सिक्स होगा, फोर एक्स का फोर होगा, फाइव का फाइव होगा, कितने हो, प्लस ये बाहर पड़ा है इसका तो मतलब ही नहीं है बेचारे का, इसका क्या हो जाएगा, डॉट में फोर एक्स सर सिक्स एक्स सेवन का जीरो। अगेन बोल रहा हूँ, पावर को आगे लेके आए, तीन दूनी छः एक्स, दो की दो माइनस एक, मतलब एक की बात करना स्टार्ट, मल्टीप्लाई करो, छः थी अठारह एक्स स्क्वेयर प्लस छः सत है बयालीस छत्तीस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बारह एक्स छत्तीस दस छियालीस और आठ चौपन एक्स स्क्वेयर, सही तो लिखा है, छत्तीस दस छियालीस छियालीस छः बावन और दो चौपन चौपन एक्स स्क्वेयर प्लस बारह एक्स प्लस बयालीस, आप काट पीट करनी है तो कर सकते हो, अरे दो दो से तीन से पाँच से काट, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई मेथड है, यू डॉट वी की बात करेंगे तो यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, सही चर्चा। एग्जाम्पल क्या है, वाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन सिक्स एक्स प्लस टू की बात करना स्टार्ट करेगा, एग्जाम्पल और करवा देंगे, पहले यू को मैंने बार रखा बेटा वी का कर दिया, प्लस वी को बार रखा यू का कर दिया, अब ये जो बेसिक मेथड जो करवाए हैं वो तो आने आवश्यक है ना, नहीं तो दिक्कत करोगे, थ्री एक्स प्लस सेवन सिक्स एक्स का क्या होगा, सिक्स होगा, टू का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगेन बोलो सिक्स एक्स प्लस टू थ्री एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, सिक्स एक्स हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट सेवन का क्या आ जाएगा, जीरो की बात करना स्टार्ट करें, ये कितना आएगा, छः थी अठारह एक्स स्क्वायर प्लस बयालीस प्लस छत्तीस एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स, छः छत्तीस एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स, खचक 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 आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हो, उतार सकते हो, उतारो 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 उतार सकते हो,
बेटा। चलें। हटा दें इसको। मान लीजिए 4x+7, 7x+9 ये गिवन है, तो dy/dx करना है। पहले u को माना, इसको u मान लिया, इसको मैंने मान लिया v। u को रखा बाहर बेटा, u को बाहर रखा, v का कर दिया d/dx 7x+9, क्लियर है। प्लस इसका हो चुका है तो इसको रखेंगे बाहर, d/dx 4x+7। अच्छा ये आएगा 4x+7, इसका आ जाएगा 9 का 0, 7x का क्या आ जाएगा 7+, ये तो ये पड़ा रहेगा, नादान है। 4x का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 का फिर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 24x, सात चौक 28x, प्लस 49 प्लस 7 चौक 28x प्लस 9 चौक 36, 28 28 56x, मतलब 56x, प्लस ये कितना हो जाएगा 50 और 30, 80 और 85। अरे हमने सिंगल एक्स की फॉर्म लिया, अगर स्क्वेयर करोगे तो मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर की फॉर्म भी आ जाएगा। हम तो मल्टीप्लाई मेथड सिखाया, न्यूमेरिकल ऐसे ले लिया, क्या दिक्कत है। 4x+7 यहाँ स्क्वेयर करोगे तो कितना आता, 14x आता, तो मल्टीप्लाई होता है इसका, 14x आता तो 14x² 196 की बात, 96x² कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल जैसा भी आ सकता है। आपको एक्चुअली मेथड आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो खुद ही सीख सकोगे। हाँ हटा दें, फिर अपने डिवाइड की बात करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड में थोड़े बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। अरे क्वेश्चन तो सभी बढ़िया है, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा डिवाइड रूल क्या बोलता है, मतलब यू अपॉन वी की बात करना स्टार्ट करें हम, वाई की, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना जी, इंपॉर्टेंट पार्ट। डिवाइड में आएगा वी स्क्वेयर, सुनना जी, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, फिर डिनोमिनेटर डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस यू का हो चुका है, न्यूमिनेटर डी वी अपॉन डी एक्स। अगेन बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से, ये फॉर्मूला है, अगेन बोल रहा हूँ, यू अपॉन वी गिवन होगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं तुम ये समझो पहले, डिफरेंशिएशन है किसी को छोड़ना नहीं, समझो, एक्स की जो भी टर्म आएगी सल्टा दो, नहीं समझे, अरे समझना पड़ेगा जी, काय दिक्कत कर। u अपॉन v है, पहले v का कर दिया, मतलब v स्क्वायर कर दिया, पहले v को बाहर रखा, u का कर दिया, समझ आई, मतलब u वाला काम खत्म कर दिया हमने, फिर u को बाहर रख दिया, फिर किसका सल्टा दिया, v को सल्टा दिया, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी तुम बोलोगे सर ये कैसे हो गया, हाथ से हुआ कैसे हुआ, चलो ठीक है, फॉर क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल x² + 1 अपॉन में x - 2। हाँ ये हो गया u और i हो गया, इसको मैंने बोला v स्क्वायर, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, चेक कर लेना आराम से बिल्कुल तरीके से, फिर साइन कोस करने का सारे कंबाइंड न्यूमेरिकल करवा देंगे। इसको रखा बाहर, मतलब v को रखा बाहर, d/dx x² + 1, बीच में प्लस या माइनस, माइनस ये इसका हो चुका है तो इसको रखेंगे बाहर, d/dx किसका करेंगे, इसका हो चुका है, सॉरी इसको, आई एम सो सॉरी। अब इसमें कोरिलेट करते हैं, देखिए v का स्क्वायर मतलब x - 2 का स्क्वायर, v को रखा बाहर मतलब x - 2 को बाहर रखा, d/dx u का किया, u कितना है x² + 1 है, माइनस यू को रखा बाहर, x² + 1 को बाहर रखा, d/dx कितना करेंगे x - 2। अगर हाथ से पेन नहीं चलाओगे काम नहीं बनने वाला, गारंटी इस चीज़ की। ये आएगा x - 2, इसका कितना आएगा बेटा 2x - x² + 1, इसका कितना आएगा, x का 1 2 का 0, x - 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 2x² - 4x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खचक खचक खचक, इसका मतलब ही नहीं, -x² - 1, यह आ जाएगा x² अपॉन में कौन रहेगा, ये भूल गए, तो ये आएगा x² - 4x - 1 अपॉन में x - 2 का, यू कैन चेक दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई दिस। क्या बोलती है पब्लिक,
पब्लिक बोलती है सर लोचा है, लोचा दिमाग में है, हो सकता है डी बाई डी एक्स ना दे, डी बाई डी टी दे दे, डी वाई अपॉन डी टी दे दे, क्या करोगे? अरे कुछ भी नहीं करना, वही बात करनी है, मतलब अभी करवाते हैं, उतार सकते हो प्रश्न, हटा दें इसको, हटाएंगे अब। y बराबर में दी है टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी टी, मतलब u अपॉन v हमें गिवन है। सही बात है, गलत बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, तो डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस वन बाहर, डी बाई डी एक्स सॉरी डी टी माफी, टी स्क्वायर माइनस वन माइनस इसका हो चुका है, तो इसको करो बाहर, डी बाई डी एक्स न्यूमिनेटर का टी स्क्वायर प्लस वन। समझ पा रहे हो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वन अपॉन वी स्क्वायर, वी डी अपॉन डी टी दिया है, एक्स में करो कि एक्स में हो रहे हैं, डी बाई डी टी किसका आएगा? यू का आएगा, माइनस यू को बाहर, डी बाई डी टी किसका आएगा? वी आएगा, डी टी में है, पहले एक्स में करते थे इसलिए थोड़ा रम्मा हो रहा है इसका। टी स्क्वायर प्लस वन इसका कितना आएगा बेटा? टू टी माइनस जीरो, मतलब नहीं, इसका वन का जीरो हो गया ना बेटा, माइनस टी स्क्वायर माइनस वन इसका कितना आएगा? टू टी प्लस जीरो, तो मतलब अपॉन में क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? दो टी की तीन प्लस दो टी माइनस, ब्रैकेट लगा रहा हूँ एक बार ना, दो टी की तीन माइनस दो टी, अरे भाई क्या आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाओ ऊपर आ जाओ, अच्छा खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, टू की टी की क्यूब माइनस टू टी माइनस टू टी की क्यूब प्लस टू टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, खपच खपच प्लस कह दे, ये प्लस क्या, मैंने माइनस ला दिया गलती से, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, वैल्यू आएगी फोर्टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये सर पेटी तक तोड़ना क्या, अरे आसान है काहे मुश्किल है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमिनेटर से हटाओ, माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हटा दो, कुछ गलत थोड़ी बोला। और आसान तरीका देखो क्या है, इसको वी स्क्वायर को रख दिया, फिर वी को रखो, फिर यू का किया, साथ में यू लिख दो और वी के कर दो, आसान है, मुश्किल होते तो खुद ही बोल देते। उतार लिया, उतार लो, उतार लो। अभी क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताते हैं, साइन कोस टेन में बात बन जाएगी, बस इतना ही करवाएंगे, मतलब साइन कोस टेन का मतलब हटा दें इसको, एक चैन रूल बता देते हैं आपको पहले ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी उससे बात करना कोई ये सर कैसी बात। अब देखो डी बाई डी एक्स चैन रूल, देखो अगर मैं एक गारंटी देता हूँ जी, अगर आपने ये लेक्चर डिफ्रेंसिएशन का देख लिया और बराबर न्यूमेरिकल लगा दिए तो 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, चलो बाद में बात करते हैं उसको। डी बाई डी एक्स की बात करेंगे तो यू की पावर एन दिया है, कोई कांस्टेंट टर्म की बात नहीं करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन यू की पावर एन माइनस वन, मतलब आपने पावर को सल्टा दिया, क्या यू को सल्टाया? नहीं सल्टाया, तो मतलब क्या आएगा? डी यू अपॉन डी एक्स। अरे सर ये क्या है, अरे एक बढ़िया चीज, मतलब चैन टूट नहीं रही, पहले यू की पावर एन का किया, अगेन यू का कर दिया, एक प्रश्न करवा देंगे काम बन जाएगा। प्रश्न लिखें, एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 7 का अंडर रूट, डी वाई डी एक्स करना, नॉर्मल x दिख रहा है आपको, वाई बराबर में दी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। अच्छा सुनिए जी, अगर मैं लिखता हूँ डी बाई डी वाई डी एक्स रूट में 4x स्क्वायर माइनस 7, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/2। सही बात है, सही बात है, अरे बेटा ब्रैकेट हटाया क्या दिक्कत है। अच्छा मैं पहले इसको करूँगा पावर के को सुलटाऊँगा, मतलब 1/2 4x स्क्वायर माइनस 7 1/2 माइनस 1। हाँ यार कहानी खत्म हो गई या शुरुआत हुई? अभी शुरुआत हुई। डॉट डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा लाला? 4x स्क्वायर माइनस 7 का करना पड़ेगा। अरे सर इतना काम कौन करेगा,
पड़ेगा, मैसेज पे बात भी तो करते आओ। अच्छा इसको लिखेंगे 1/2 4x² - 7 माइनस का 1/2, वॉट इट। अच्छा डी बाई डी एक्स इसका कितना आएगा 8x, इसका कितना आएगा 0, मतलब डॉट 8x लगा देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा माइनस 1/2 का मतलब आ गया अंडर रूट की बात करना चाह रहा है, और वैसे भी पड़ा है ऊपर रह गया 8x अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4x² - 7, 2 से 4 गया, अरे मतलब 2 चौके 8 लो भाई। एक बार फिर दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको उतार सकते हो, आसान चीज है, मुश्किल होते खुद भी बोल देते कि मुश्किल है मत करो। ये देख लो, तू है प्यार मेरा, चलो 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 चलो, वापस आ जाते हैं। देख इसमें पहले एन यू की पावर एन माइनस वन डी यू अपॉन डी एक्स किया, देख इसमें क्या है 4x² - 7 की पावर 1/2 है, 1/2 को आगे लिया 4x² - 7 की 1/2 - 1, मतलब पहले पावर को किया, फिर डी बाई डी एक्स, एक्चुअली एक्स की टर्म तो पूरा ही पड़ा है 4x² - 7, इसको किया खचक 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 खचक, इसको समझ पा रहे हो क्या, 4x² - 7 की माइनस 1/2 है, मतलब रूट की बात करा 8x मल्टीप्लाई में 1/2 अपॉन में। अब मैं सभी सीक्वेंस से लिखना स्टार्ट करता हूँ ना, फिर आप और न्यूमेरिकल करते हैं। एक पढ़ लिया हमने एक्स की पावर एन का, सबको डी बाई डी एक्स से कर रहे हैं, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेकेंड पढ़ा डी बाई डी एक्स, लिख ही दो यार, डी बाई डी एक्स सी, सी यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है मतलब जीरो है, डी बाई डी एक्स सी वाई की बात करेंगे तो सी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की बात करेंगे तो नो चेंज, ई की पावर एक्स आता है डी उठा दूंगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की, अरे के कर रहे हो ऐसे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की बात करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोस एक्स की बात करेंगे तो क्या आता है माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स की बात करेंगे तो क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स है, और कुछ छोटा थोड़ी है, देख लेना अभी, डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स की बात करेंगे तो लोग एक्स की बात करेंगे, उतारो इतना फिर बताते हैं, लोग एक्स का सॉरी, डी बाई डी एक्स लोग बेस ई एक्स करेंगे तो वन अपॉन एक्स की बात करना पड़ेगा। तुम जो ये देख रहे हो ना, ये इंटीग्रेशन सब उल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा, मतलब एक्चुअली क्या जो इंटीग्रेशन है वो दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, देख लेना बाद में बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर काम करने वाले हैं हम, चेक कर लेना, पहले बता रहा हूँ, सब रूल समझ चुके हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड चैन रूल सारे हो चुके हैं। अब ये एक्चुअली क्या है, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स है, अब कोट एक्स है कोस एक्स एक्स है, मतलब नहीं है उसके, इतना आता नहीं, अब मैं बताया उतना ही करेंगे जितना हमारे काम का, नीट में हमारे उतना ही काम का करेंगे, सही है, हटा दें। प्रश्न दिया है साइन एक्स अपॉन में एक्स, आगे चमकनी चाहिए भाई, यू अपॉन बी का मेथड दे दिया, मतलब डिवाइड वाला रूल लगाओगे, क्या करेंगे आओ, कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मतलब एक्स का स्क्वायर, बहुत आराम से करवा रहे हैं, सुन लेना, एक्स का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा एक्स बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स क्या आएगा साइन एक्स आएगा, क्लियर, मैंने बोला था बीच में एक्सप्रेशन करा दूंगा, माइनस साइन एक्स को रखेंगे बाहर, डी बाई डी एक्स इसको करेंगे एक्स का कर देंगे, तो यानी कि डी डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स का क्या आएगा वन आएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दिस, चेक चेक चेक, उतार लो भाई उतार लो, और प्रश्न करवा देंगे।
हटा दें। चलो ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, टेन एक्स का क्या आया था? सर याद नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स यही आया था। अच्छा, टेन एक्स को हम लिख क्या सकते हैं? टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अरे सर, अब साइन अपॉन कोस क्या बन गया? यू अपॉन वी मैक्स बन गया। चेक चेक करके देखते हैं। एक्चुअली अपना मेन मकसद तो सवाल करना है, सवाल कर लेंगे। वी का स्क्वायर मतलब कोस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब वी को रखा बाहर, डी बाई डी एक्स यू हो गया, मतलब साइन एक्स का किया माइनस, साइन एक्स को रखा बाहर, डी बाई डी एक्स किसका किया? कोस एक्स का। सुन लेना जी, बहुत तरीके से आसान चीज नहीं है, मुश्किल है, मतलब भूल जाओगे। मुश्किल तो काहे है, मतलब समझो। अच्छा, कोस एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। थोड़ा एक सेकंड का समय लग सकता है आपको याद करने के लिए। अच्छा, साइन एक्स का, कोस का क्या होता है? माइनस साइन, मतलब माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा? कोस एक्स का स्क्वायर, अरे गलत आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में कोस एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वन मतलब वन अपॉन कोस एक्स का स्क्वायर। और वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ये डिब्बा नहीं बनाते थे पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। सेक का उल्टा क्या है? वन अपॉन कोस ही तो है, और यहाँ पे क्या स्क्वायर है? सेक स्क्वायर। आप देख लो, प्रूव हो चुका है। देख लो देख लो, देखो देखो क्या वो शेर है। चे 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 चे, न न न, पानी पिला रहे हैं, मतलब इसको इंक पिला रहे हैं, दोनों में खत्म हो रही है। ई के पावर एक्स का बता देते हैं। मान लो वाई बराबर अपने को दिया है एक्स की पावर 5 प्लस 2 ई की एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो निकालेंगे इसका। देखो क्या आएगा, पावर को आगे लेके हैं, मतलब 5x की 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स का क्या रहेगा? ई की पावर एक्स। आंसर नहीं समझा? अरे भाई क्या करेगा इसमें, समझ। एक्स की पावर 5 का क्या होगा? 5x की 4। ई की पावर एक्स का क्या होगा? अगर अच्छा ऐसा करना चाह रहे हो, यू प्लस वी की बात करोगे, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी की बात करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं? डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। हाँ या ना? मल्टीप्लाई कर इसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स करना चाह रहे हो, तो मैंने बोला एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2 e की पावर x। एक्स की पावर 5 का क्या आएगा? 5x की 4, 2 बाहर निकाला, ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स। चेक कर सकते हो, यू कैन चेक 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 चेक। हटा दे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 का काम शैतान का सर। हाँ हाँ ठीक, आ गया, हो गया, ला गया। चलो 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 चलो, अब देखिए जी, मैं छोटा सा एक चीज बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर ही। डिफरेंशिएशन के पार्ट में हमें कोई भी पोजीशन मिलती है, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया एक्स बराबर में टी स्क्वेयर प्लस वाई बराबर टी स्क्वेयर प्लस 2t+2, इस तरह से मिल गया। इसका आपको बोल दिया डिफरेंशिएट करो सिंगल टाइम, मतलब डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो टी की टर्म्स में, सही है, तो ये आएगा 2t+2+0। हाँ या ना? यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली है क्या ये सर? सिंगल डेरिवेटिव? अरे नहीं, हमें एक्चुअली क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है वेलोसिटी, जिसको तुम बोलते हो वेग। मतलब अगर हम पोजीशन का, स्थिति का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी प्राप्त होता है। और सर दो बार कर दे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। अगर पोजीशन का दो बार कर देंगे, इसका मतलब इसका एक बार हो गया, तो इसको वापस कर दोगे, मतलब डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी टी स्क्वेयर कर दोगे तो क्या मिलेगा? 2। तो क्या मिलेगा इससे सर? खुशी मिलेगी?
अरे नहीं भाई, एक्सेलेशन मिलेगा। खुशी तो किसी और को मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, ए बराबर डी स्क्वायर बाई वन डी टी। अरे क्या कर रहा है लाला, डी टी स्क्वायर। अगेन बोल रहा हूँ, सिंगल टाइम पोजीशन का करने पर हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी, और पोजीशन का डबल टाइम करने पर हमें क्या मिलती है, एक्सेलेरेशन। और अगर वेलोसिटी का अगेन कर दिया तो भी क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल सकते हैं, कहाँ लिखूं, कहीं भी लिख दो सर। पोजीशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी प्राप्त होती है और पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएट करने पर क्या प्राप्त होता है, एक्सेलेरेशन, त्वरण प्राप्त होता है। अगर बोला जाए, एक लाइन और लिख सकते हो, वेलोसिटी का पुनः, जिसको बोलते तुम अगेन, अवकलन, अरे डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलेरेशन मिलेगा। देखो अगर आपको कोई पोजीशन मिलती है तो आपको अगर एक्सेलेरेशन पूछा तो आपको उसका वेलोसिटी निकालना बहुत संभवतः जरूरी हो जाएगा। तो वेलोसिटी का आगे कर दो ना, पोजीशन का दो बार, वेलोसिटी का एक बार, बस उतार सकते हो। ये अच्छी चीज है क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आते ही बिड़ते ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, फिर कहोगे अरे सर ये तो पहले बताते ना अवकलन में, तो बता दिया अभी। उतारो जल्दी उतारो, फिर चैन रूल पे कुछ काम करवा देते हैं, चैन रूल पे और क्वेश्चन करवा देंगे। हटा दें, चैन रूल पे थोड़ा बच्चे मुश्किल करते हैं, बच्चे को दिक्कत होती है, बता देते हैं। सुनिए, प्रश्न दिया है आपको, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक दिया है 10x की पावर 3। सही। अच्छा मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालना चाह रहा हूँ भाई, वाई बराबर में दिया तो डी वाई बराबर डी एक्स पूछा हमसे। बहुत आराम से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहले कोस का करेंगे। देखो सिंपल सी चर्चा, बहुत सिंपल चर्चा है, कोस 60 डिग्री में कोस 60 डिग्री रहेगा, 80 डिग्री में 80 रहेगा, 90 में 90 रहेगा, 0 में 0 रहेगा। इसका थीटा इस तरह है, ऐसा डील करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने लिखा कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। समझ आ गई, अभी तुमने किसका किया, सिर्फ और सिर्फ कोस का किया, क्या तुमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का किया, नहीं, बी कॉन्स्टेंट है। तो फिर अपने क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यू कैन ट्राई दिस, अगर ये हो जाता है तो माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी का 0, इसका क्या आएगा 2ax, यानी कि माइनस का ट्वाइस ऑफ ए एक्स साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ध्यान रखना चाहिए माइनस बच्चे बीच में लगाते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है 2ax माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखिए, माइनस बाहर की हो रहा है, आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी उतारो फिर अगला कराएं। इस पे आओ, अब देखो इस पे क्या दिया है, 10x की गुप्त फ्रंट, तो पावर को आगे लेके आए, मतलब 10x का 3 माइनस, मतलब 2 की बात करेंगे। ये आपने किसको डील किया, अभी पावर को डील किया, क्या आपने 10x को डील किया, अरे नहीं सर, तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा, 10x की बात करेगा। अरे 10 क्यूब x की बात नहीं करे लाला, देख सबसे पहले हम पावर को डील करते हैं, पावर को हमने डील कर लिया, अगेन हमने इसको डील किया, 10x को डील किया, तो क्या आएगा, 3 10x का स्क्वायर इंटू 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, काम धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो 3 10x का स्क्वायर और sec स्क्वायर x, sec x का स्क्वायर, एक ही बात है, sec स्क्वायर x एक ही बात है, उससे क्या फर्क। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले, ये ऐसे भी आ सकता है, या 10 क्यूब x, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन इजीली सॉल्व दिस।
अच्छा लास्ट आखिरी एग्जांपल करवा देते हैं हम, ताकि दिक्कत ना है। चैन पे करा दिए, मल्टीप्लाई पे काफ़ी सारे करवा दिए, अब इस पे करवा देते हैं। किस पे? डिवाइड रूल पे। डिवाइड रूल में लास्ट एग्जांपल है भाई ना, ठीक है, उसके बाद खाओ पियो ऐश करो मित्रों। एग्जांपल है वाई बराबर हमें दिया साइन एक्स वन प्लस कोस एक्स। अगेन बोल रहा हूँ, साइन एक्स वन प्लस कोस एक्स फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें तो शाही नहीं है यार, शाही भरी किस्मत है मेरे को तो ये और याद नहीं है। अच्छा क्या करेंगे, यू अपॉन बी लगाएंगे, तो सीधा करते हैं अभी। वन प्लस कोस एक्स का स्क्वेयर, मतलब वी का स्क्वेयर, वी को रखा बाहर, किसका करेंगे, यू का करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, सही बात है। माइनस साइन एक्स को रखेंगे बाहर, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, वन प्लस कोस एक्स। पॉज करो वीडियो को, करना स्टार्ट करो, बढ़िया लगेगा, इसके पहले ही करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आएगा वन प्लस कोस एक्स साइन का, अरे भाई के बीच में आ रहा है ये, साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है, माइनस अभी हो जाएगा धीरे धीरे, इसको करो क्या होगा, वन का जीरो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, सही है। अपॉन में क्या चल रहा है, वन प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, कुछ भी फास्ट नहीं है, बहुत इजीली और बहुत आराम से करवा रहे हैं ना। तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। यार मैं कई बार ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाना भूल जाऊँ, साइन स्क्वायर एक्स है, ध्यान रखना। वन प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, इसमें तो पूरा लगाया हुआ मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, मतलब वन प्लस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ऊपर एक है नीचे दो है, खचक खचक वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। आई होप बिल्कुल तरीके से समझा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो। चलो 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 कहाँ चलें, चलो ठीक है, एक बार बता दूं क्या, वी स्क्वायर वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, डी बाई यू डी बाई डी एक्स वी, हाँ तो सही तो बोला सर, वी पहले वी को बाहर रखा फिर वी को अंदर रखा, पहले यू को अंदर रखा यू को बाहर रखा, बस। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर बहुत तरीके से देखा है, नोट्स बराबर बना रहे हो, डिफरेंशिएशन का कोई भी छोटा से छोटा डाउट होता है, इवन डिफरेंशिएशन नहीं, किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में बराबर लिख सकते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, प्रॉपर वापस बताइए, हाथों हाथ रिवर्ट करेंगे, हाथों हाथ चीज़ों को संभालेंगे और बता देंगे। सेकेंड थिंग, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, मैं हर बार सोचता हूँ स्टार्टिंग में बताऊँ पर भूल जाता हूँ। और थर्ड थिंग क्या है, पढ़ाई करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।